यानी कि हमने पढ़ी थी कंप्यूटर की खूबियाँ और मुझे ज़रा रिकॉल कराएं कि वो कौन कौन सी थी हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है और हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है इसके अलावा हमने ये देखा था कि कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट होता है और हमने ये देखा था कि कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है और सोता नहीं है तो स्टूडेंट्स ये थी कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेकिन इन के साथ भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर में कुछ लिमिटेशन होती हैं का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कंप्यूटर भी कुछ कामों में महदूद हो जाता है और उसकी सलाहियत मजीद काम नहीं करती तो स्टूडेंट्स हमने वो देखना है कि वो लिमिटेशन क्या हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले है कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ऑन डिसीजन एंड प्रोवाइड इट इनपुट यानी कि स्टूडेंट्स कंप्यूटर कभी भी अपने फैसले खुद नहीं ले सकता है और ना ही वो अपने आप को खुद से इनपुट दे सकता है इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स जिस तरह से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि मैंने आज क्या करना है और क्या नहीं करना है उस तरह से कंप्यूटर कभी भी खुद से डिसीजन नहीं ले सकता कि मैंने क्या करना है वो हमेशा आपको बताना पड़ता है कंप्यूटर को कि कंप्यूटर ने क्या करना है ठीक है स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि मैंने टू प्लस टू करना है ठीक है अभी हम आंसर की बात नहीं कर रहे अभी सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हम अभी हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर को क्या चाहिए होता है आपकी तरफ से डेटा और इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है टू एंड टू और इंस्ट्रक्शन क्या है कि इसने क्या करना है टू और टू को ऐड करना है तो स्टूडेंट्स जब तक आप कंप्यूटर को बताएंगे नहीं कि उसने ऐड करना है कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि उसने ऐड करना है है ना स्टूडेंट्स तो ये है कंप्यूटर कंप्यूटर लिमिटेशन कभी भी खुद से डिसीजन नहीं ले सकता और ना ही वो खुद को इनपुट दे सकता है तो स्टूडेंट तो तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिटेक्ट करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट डिटेक्ट करने का मतलब होता है पता लगाना कभी भी कंप्यूटर को ये पता नहीं लग सकता कि आपने उसको Wrong input दी है तो स्टूडेंट इससे क्या होता है कि कंप्यूटर को यह पता नहीं लगता है कि आपने रॉन्ग इनपुट दी है तो वो क्या करता है wrong output देता है। For example, अगर मैं कंप्यूटर से कहती हूँ करना है लेकिन मैंने इंस्ट्रक्शन गलत दे दी और मैंने कह दिया कि सब्ट्रैक्ट करना है तो स्टूडेंट्स क्या होगा कंप्यूटर टू में से टू को सब्ट्रैक्ट कर देगा और वो उसे ऐड नहीं करेगा तो ये रिजल्ट आया है रॉन्ग जो कि आपकी इनपुट की, की वजह से रॉन्ग आया है क्योंकि आपने रॉन्ग इनपुट दी लेकिन कंप्यूटर ने ये चीज डिटेक्ट नहीं की कि आप लोग उसे रॉन्ग रॉन्ग दे रहे हैं तो तो फिर रिजल्ट रिजल्ट क्या हुआ भी हुआ भी तो स्टूडेंट्स ये है कुछ लिमिटेशंस क्योंकि कंप्यूटर खुद से फैसला नहीं कर सकता है इसीलिए हमें फैसला करना पड़ता है कि हमने कंप्यूटर से क्या करवाना है और कंप्यूटर को हमें देनी पड़ती है इंस्ट्रक्शंस और डेटा कि जिसके ऊपर कंप्यूटर ने काम करना है तो स्टूडेंट्स एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि नेदर कंप्यूटर्स यानी के ना तो कंप्यूटर्स अकेले अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और ना ही इंसान कर सकते हैं इंसानों को कंप्यूटर की जरूरत होती है और कंप्यूटर्स को हम इंसानों की जरूरत होती है ठीक है स्टूडेंट्स जी स्टूडेंट्स तो हम लोगों ने बात की कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या होती हैं तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर के यूजेस क्या क्या हैं हम किन किन कामों के लिए कंप्यूटर सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं तो चलिए देखें सबसे पहला यूज है प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि प्रॉब्लम्स को हल करना वो प्रॉब्लम्स कौन सी हो सकती हैं वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं तो चलिए देखें यू कैन डू मैनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लाइक एड सब्ट एंड मल्टीप्लाई तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर को यूज करते हुए हम लोग बहुत सारे किस्म की कैलकुलेशंस कर सकते हैं जैसे कि ऐड करना सब करना मल्टीप्लाई करना डिवीजन करना ठीक है स्टूडेंट्स तो कंप्यूटर आपके किस काम आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के काम आता है तो चलिए नेक्स्ट यूज देखें नेक्स्ट यूज है प्लेइंग गेम्स यू कैन प्ले डिफरेंट गेम्स यूजिंग कंप्यूटर लाइक चेस एंड कार रेसिंग तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि आप लोग कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट गेम्स खेलने के लिए कई बार होता है ना कि हम लोग पढ़ पढ़ के बहुत थक जाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है हमें स्पोर्ट्स और गेम्स खेलनी चाहिए अपने दिमाग को तंदरुस्त रखने के लिए तो स्टूडेंट्स आप लोग अपने कामों की बोरियत को कम करने के लिए और अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए कंप्यूटर पर गेम्स भी खेल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की गेम्स आजकल कंप्यूटर में होती हैं आप लोग कुछ गेम्स इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं जो भी आप लोग खेलना चाहें जैसे कि कार रेसिंग होती है और चेस होती है इस तरह की काफी सारी गेम्स होती हैं तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट यूज देखें टाइपिंग प्रैक्टिस यू कैन टाइप लेटर्स लेटर्स एंड एप्लीकेशंस इट हेल्प्स प्रैक्टिस टाइपिंग तो स्टूडेंट्स इस बात का क्या मतलब है कि आप लोग कंप्यूटर पर लेटर्स और एप्लीकेशन टाइप करते हैं और ये आपको हेल्प करती है आपकी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने में तो स्टूडेंट्स आप लोग इस तरह से एप्लीकेशन और लेटर्स और एसेस वगैरह टाइप करके देखें और आप लोग इससे क्या कर सकते हैं अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट यूज देखें जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट यूज देखें आर्ट एंड एंटरटेनमेंट यू कैन ड्रॉ ऑन कम्प्यूटर एंड लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच कार्टून तो स्टूडेंट्स आप लोग कंप्यूटर पर क्या क्या कर सकते हैं आप लोग कंप्यूटर पर ड्रॉइंग भी कर सकते हैं आप लोगों को पता है ना हम कौन सा प्रोग्राम यूज करते हैं ड्रॉइंग करने के लिए जी हम लोग यूज करते हैं एम एस पेंट आप लोगों ने भी यूज़ किया होगा ड्रॉइंग्स तो बनाई होंगी ना पेंट पर तो so स्टूडेंट्स हम लोग कंप्यूटर को यूज करते हैं अपनी ड्राॅइंग्स बनाने के लिए और इसके अलावा अगर हम बहुत बोर हो रहे हों तो हम लोग कार्टून भी देख सकते हैं मूवीज भी देख सकते हैं और हम म्यूजिक भी सुन सकते हैं तो स्टूडेंट्स इस तरह से कंप्यूटर हमें हेल्प करता है इंटरनेट यू कैन कलेक्ट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर तो को यूज करते हैं हम लोग इंटरनेट के लिए भी जी स्टूडेंट्स तो इंटरनेट तो आप सबने इस्तेमाल किया होगा ना कई बार हम लोगों को हमारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन नहीं मिल रहे होते तो हम उन्हें इंटरनेट के थ्रू सर्च करते हैं तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन इंटरनेट के थ्रू सर्च कर सकते हैं और हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी इंटरनेट से ले सकते हैं तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट यूज देख लेते हैं नेक्स्ट यूज है डॉक्यूमेंटेशन यू कैन टाइप डॉक्यूमेंट्स ऑन द कंप्यूटर आप लोग डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स को टाइप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स पर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने देखना है कि डॉक्यूमेंट होता क्या है तो स्टूडेंट्स जब हम कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हैं कोई भी हम लोग लेटर लिखते हैं या हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं कंप्यूटर पर टाइप करके तो स्टूडेंट्स हम उसे कहते हैं एक डॉक्यूमेंट तो आप लोग डिफरेंट टाइप्स के लेटर्स एप्लीकेशन एसेज और पैराग्राफ्स अपने कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं और उन्हें सेव भी कर सकते हैं सेव करने के अलावा हम उन्हें प्रिंट भी कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स ये सारा कुछ क्या कहलाता है ये कहलाता है डॉक्यूमेंटेशन तो स्टूडेंट्स आप लोगों को कंप्यूटर हेल्प करता है डॉक्यूमेंटेशन में चलिए नेक्स्ट यूज देखें अकाउंटिंग कंप्यूटर सॉल्व्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस विद एक्यूरेसी स्टूडेंट्स अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करना तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर क्या करता है कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशंस करता है जो कि हमारा जहन इतनी जल्दी से नहीं कर सकता है वो हम करते हैं कंप्यूटर के थ्रू और कंप्यूटर आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है और बहुत ही जल्दी देता है तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोगों को कंप्यूटर हेल्प करता है अकाउंटिंग में चलिए नेक्स्ट यूज देखें जी स्टूडेंट्स तो अब हम देख लेते हैं लास्ट यूज ऑफ कंप्यूटर जो कि हमारी बुक में लिखा हुआ है तो स्टूडेंट्स वो क्या है वो है स्केजुलर तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स अपनी एक्टिविटीज को स्केड्यूल कर सकते हैं कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए चलिए देखिए यू कैन यूज कैलेंडर टू स्केड्यूल योर एक्टिविटीज एंड सेट एंड रिमाइंडर्स तो स्टूडेंट्स आप लोग अपनी रोज की एक्टिविटीज को स्केड्यूल कर सकते हैं किस तरह से कैलेंडर की मदद से और उस पर हम लोग अलार्म और रिमाइंडर्स भी लगा सकते हैं रिमाइंडर क्या करता है स्टूडेंट्स रिमाइंडर आपको ये याद करवाता है कि आप लोगों ने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है आप लोग रिमाइंडर को डेट्स और टाइम दे देते हैं कि इस टाइम पर इस डेट को आपको वो एक्टिविटी के बारे में याद करवाए और स्टूडेंट्स आपका कंप्यूटर आपको सेम डे पर सेम टाइम पर एक्यूरेसी के साथ आप लोगों को आपकी एक्टिविटी के बारे में याद करवाता है तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग अपने एक्टिविटीज को भी स्केड्यूल कर सकते हैं यूजिंग कैलेंडर इन कम्प्यूटर्स तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ रूटीन के टास्क हमें कंप्यूटर सिस्टम हेल्प करता है तो so, स्टूडेंट चलिए देख लेते हैं एक छोटा सा नॉलेज टेस्ट उससे क्या होगा ये पता चलेगा कि आप लोगों ने इस यूनिट में क्या क्या पढ़ा है और आप लोगों को क्या क्या याद है तो so, चलिए देख लेते हैं नॉलेज टेस्ट क्या है तो so, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दस नॉट स्लीप कुछ ऑप्शन आपको दी गई है स्टूडेंट्स अब आपने इनमें से बताना है कि इनमें से क्या चीज ऐसी है जो कि कभी सोती नहीं है तो ऑप्शन देख लें ह्यूमन कंप्यूटर एंड अ डॉग तो स्टूडेंट्स अब आप मुझे बताएंगे कि क्या इंसान नहीं सोते नहीं हम लोग तो सोते हैं सोते हैं ना नींद पूरी करते हैं तो स्टूडेंट्स डॉग्स डॉग्स भी सोते हैं लेकिन ना आपने कभी कंप्यूटर को सोते हुए देखा है और ना मैंने तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर डज नॉट स्लीप तो करेक्ट आंसर क्या होगा कंप्यूटर तो चलिए इसे कर लेते हैं मार्क जी स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सी टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो कि कंप्यूटर से लिंक्ड है चलिए ऑप्शंस देखें फूड इंटरनेट या फिर क्रिकेट तो स्टूडेंट्स आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या कंप्यूटर खाना खाता है नहीं खाता ना तो इसका मतलब ये हुआ कि फूड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता अब आप मुझे बताएं कि क्या कंप्यूटर हमारी तरह क्रिकेट खेल सकता है नहीं खेल सकता स्टूडेंट्स तो फिर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या हो सकती है वो हो सकती है इंटरनेट क्योंकि कंप्यूटर हमें हेल्प करता है इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन लेने में तो चलिए स्टूडेंट्स मार्क कर देते हैं इंटरनेट को तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने अपना ये यूनिट कर लिया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इसकी एक्सरसाइज तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज